कई लोगों के सवाल मेरे पास आते हैं कि वो पूछते हैं कि ड्यूरिंग वर्कआउट हमें क्या लेना चाहिए और वर्कआउट से पहले क्या ऐसा खा के जाएं जिससे वर्कआउट के दौरान हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे और हम बहुत देर तक वर्कआउट कर पाएं और थके भी नहीं। तो वर्कआउट से लगभग आधे घंटे पहले हमें दो चीज़ खानी है, एक केला और एक कप कॉफ़ी। एक कप ब्लैक कॉफ़ी हमें लेना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, गर्म पानी, इसके अलावा कुछ भी इसमें ऐड किया नहीं है। आप देखें यहाँ पर देख रहे हैं कि आप हमने कॉफ़ी लेना है, कॉफ़ी के पाउच आते हैं दो रुपए वाले, अगर ये आपको नहीं मिल रहे हैं तो एक चम्मच कॉफ़ी आप डालें, उसमें गर्म पानी ऐड करें, मिक्स कर लें और ये आपकी ब्लैक कॉफ़ी रेडी है। ये आपको आधे घंटे पहले लेनी है एक केले के साथ। कॉफ़ी का काम करेगी, देखिए कॉफ़ी आपको कंसंट्रेट, आपके फोकस करने में हेल्प करेगी और केले से क्या होगा, केले से हमें मिलेगी एनर्जी ड्यूरिंग वर्कआउट। और एक चीज़ का ध्यान रखें, पानी की एक बॉटल ज़रूर लेके जाएं जिम में, क्योंकि कॉफ़ी जो है आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, इसलिए आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। तो ड्यूरिंग वर्कआउट आप पानी पिएं, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने की या कुछ भी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। घर की चीज़ें यूज़ करें, कॉफ़ी और एक केला, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखें, प्री वर्कआउट से लगभग डेढ़ घंटे पहले, डेढ़ से दो घंटे पहले एक हैवी मील लें, ताकि वो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट एनर्जी प्रोवाइड करे। उसमें आप बॉयल आलू खा सकते हैं दही के साथ, या बनाना शेक पी सकते हैं, या ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, या ओट्स खा सकते हैं। ये सब खा के लगभग डेढ़ से दो घंटे बाद आप जिम जाएं, जिससे आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।